दुनिया तेजी से आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं हमेशा बुर्का और हिजाब को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से बुर्का और हिजाब को लेकर बात की गई है। दरअसल जानकारी की गई है, जिस तरीके से छात्राएं और मुस्लिम महिलाएं नौकरी और शिक्षा हासिल करने के लिए विद्यालयों में जाती हैं, तो आज के डिजिटल दौर में क्या बुर्का और हिजाब कितना ज़रूरी है, उस पर मुस्लिम छात्राओं के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है। आपका नाम बताइए। अल्फिया। हम बुर्के में बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम है, बुर्का समाज में ये आपके लिए कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। वजह एक तो उससे पर्दा होता है। अच्छा। और ऊपर से कोई मतलब ऐसे ज्यादा वो भी नहीं होता कि लोग नजर उठा के देखते हैं। यस। तो जैसे मॉडर्न टाइम में बुर्का जरूरी है ये करना। यस। इस टाइम पे बुर्का बहुत ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए, बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? गोल्डी कुमारी। बुर्के की बात हम करें, मॉडर्न टाइम में बुर्का नकाब को कितनी अहमियत देती है एक लड़की, होना चाहिए कि नहीं? मॉडर्न टाइम में क्या मानती हैं, आपका विचार क्या? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा फेस कवर करने के लिए, मतलब अरे नॉर्मली मैंने ऐसी बांध रखा है बस। नहीं नहीं, हम एक बुर्के की बात करें, मॉडर्न टाइम है, क्या बुर्का जरूरी है कि नहीं होना चाहिए मॉडर्न टाइम? हाँ, अब अपनी अपनी पसंद है वो तो। माय नेम इज सानिया। सानिया, एक सवाल है मेरा। यस। जैसे बुर्के की बात हम करें, मॉडर्न टाइम है, बुर्के को कितनी अहमियत देते हैं आप, किस तरह देखते हैं? देखा जाए तो ये इस्लामिक तरीका है, इससे जिसे मतलब पर्दा अच्छी बात है, लोगों की नजरें नहीं आती हैं, गलत नजर से जैसे लोग समझते हैं वो चीजें नहीं होती हैं इससे, इसलिए ये हर किसी को पहनना चाहिए जहाँ तक मानना है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। ये है। क्या नाम बोलिए आपका? अलीना। मॉडर्न टाइम है, बुर्के को किस तरह से देखती हैं? बुर्का पहनना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बुर्का पहनना चाहिए लड़की को। क्या 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 थोड़ा बताइए ना, डिटेल बताइए ना, क्यों मुसलमानों में बुर्का पहनना है हर लड़की को, बिना बुर्के की इजाजत नहीं है। बुर्का और हिजाब को लेकर इस्लाम में क्या महत्व है, उसको लेकर जब मुरादाबाद के मुस्लिम धर्मगुरु से जानकारी की गई है, तो मुरादाबाद में मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है। मॉडर्न टाइम में बुर्के की क्या अहमियत है, रहना चाहिए कि बैन होना चाहिए, आपका आप अच्छे जानकार हैं, क्या कहें? देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें तो ज़रूरी इसलिए होती हैं मुसलमान के लिए, मैं मुस्लिम आलिम के हैसियत से, एक मुफ्ती की हैसियत से बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो इसलिए ज़रूरी होती हैं कि दीन ने कहा है, कुछ चीज़ें इसलिए ज़रूरत होती हैं कि वो वक्त के लिए ज़रूरी हैं और जिसके लिए लागू की जा रही हैं उसके लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि कितने कानून ऐसे हैं जो हमारी बीजेपी सरकार ने लागू किए और जिनके लिए लागू किए उनको पसंद नहीं है, मगर हमारी सरकार कहती है कि नहीं आपके लिए अच्छे हैं, ये कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। इसी तरीके से बुर्का है, जिनके लिए बुर्का रखा गया है वो समझते हैं कि शायद इसको कैद में रखा, हमें कैद में किया रखा गया है, हमारे लिए कैद है। देखिए, आप अपने सोने चांदी को कैद करके रखते हैं, उसको कैद कहा जाएगा या हिफाजत कहा जाएगा? आप अपने कीमती कागजात को लॉकर में रखते हैं और लॉकर के पैसे भी अदा करते हैं, कैद में रखने के आप पैसे भी देते हैं, उसे कैद कहा जाएगा या हिफाजत कहा जाएगा? इसी तरीके से बुर्का हिजाब ये कैद नहीं है बल्कि ये हिफाजत है। आप देखिए, एक तो इस्लामी नजरिए से आप देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे नबी, आप अपनी औरतों को और मुस्लिम औरतों को कहिए कि वो अपने ऊपर चादर डालें, पर्दा डालें, ताकि वो सताई ना जाएं। इस्लाम ने ये नहीं कहा ताकि उन्हें कैद कर दिया जाए, नहीं बल्कि सताई ना जाएं। तो इस्लाम अगर औरत को बुर्के में रखना चाहता है तो कैद करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की बुरी नजरों से बचाने के लिए। और देखिए प्रैक्टिकली तौर पर आप इसको देखिए कि एक औरत अगर बेपर्दा जा रही है, पहचान ली जाती है, अपनी नहीं है, ना अपनी बहन है, ना अपनी चाची है, ना अपनी फूफी है, आदमी उसके बारे में गलत ख्याल करता है, कमेंट्स करता है उल्टे सीधे, और अगर बुर्के में हो तो फिर पता नहीं यार अपनी भाभी ना निकले, अपनी चाची ना निकले, अपनी खाला ना निकले, इसलिए फिर कोई बात नहीं करता। तो बुर्का हर लिहाज से जरूरी है और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, आप देखिए हर धर्म में हमेशा से हिजाब आया है, हमेशा से चादर ओढ़ के अपने ऊपर रखती हैं, तो ये कैद नहीं है। कोई अगर कैद कहता है या समझता है तो उसकी बेवकूफ़ी है, ये हिफाजत है,
कि जो इस्लाम ही ने अपने मानने वालों को नहीं दिए, बल्कि पिछले दौर में जाइए तो हर धर्म के मानने वालों ने अपनी औरतों को महफूज रखने के लिए यह बुरका और हिजाब रखा है। लगातार हिजाब और बुरके को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ ही मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की गई है, जहां पर मुस्लिम छात्रों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा बुरके की अहमियत को बताया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।